इस फिगर में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन तो फ्रेंड जैसा कि बुक में आप पढ़ते हैं कि क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैसा नहीं फॉर्म होता है किसी किसी केस में फॉर्म हो जाता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से फॉर्म हुआ है और इस केस में नेक लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे कि बियरिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो जैसे से ही नीचे नेकलाइन को ये ब्रेक करेगा इसमें बियरिश मोमेंट प्ले करने के लिए एंट्री की जा सकती है